जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो पेयरिंग बताने लगा हूँ वो है दो, बेसिकली दो पेयरिंग है। कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि आप रेड टू रेड लगाएं, अल्बाइनो रेड ए टू रेड ए लगा लें। कुछ लोग कहते हुए मिलेंगे कि नहीं यार, आप अल्बाइनो रेड ए टू स्प्लिट लगाएं, अल्बाइनो रेड ए का जो स्प्लिट होता है ब्लैक आई वो लगाएं। तो ब्लैक आई के साथ लगाएंगे रेड आई तो स्ट्रॉन्ग रेड लाइन आएगी, तो बच्चे सर्वाइव करेंगे, ये होगा तो वो होगा। देखिए दोनों ही पेयरिंग अच्छी हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। रेड टू रेड की पेयरिंग करते हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाएगी, अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट की करते हैं वो थोड़ी सी कम कॉस्टली पड़ जाएगी, लेकिन रिजल्ट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है दोनों का सेम ही है। अगर आप अल्बाइनो रेड टू रेड लगाते हैं मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा होता है, रेड टू रेड में सर्वाइव जो होते हैं वो बच्चे कम करते हैं। लाइक 4 से 5 एग में से अगर आपके पास दो ही बच्चे सर्वाइव करने हैं रेड टू रेड में से, तो या एक बच्चा सर्वाइव करना है तो क्या फ़ायदा है। इसके बरक्स जब आप अल्बाइनो रेडी टू स्प्लिट लगाते हैं आता उसमें से भी 1 से 2 ही अल्बाइनो रेडी, लेकिन उसमें आपके पास चले ब्लैक ही आ जाता है जो सर्वाइव ज़रा अच्छे तरीके से कर जाता है। तो दोनों पेयरिंग ही बेस्ट हैं, इसमें दोनों पेयरिंग कोई वो ऐसे नहीं है कि ये ख़राब है, अच्छी दोनों पेयरिंग है, लेकिन अल्बाइनो रेड टू स्प्लिट लगा लेना ज़्यादा बेहतर है। कम अज़ कम उसमें ब्लैक ही तो आपके पास आते हैं जो सर्वाइव करते हैं। रेड टू रेड में उनके पास सर्वाइव रेशियो अच्छा है जिनकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, जिन्होंने वर्किंग इस पर की हुई थी, तो उनके पास जो सर्वाइव रेशियो है वो अच्छा होता है। बाकी किस्मत नसीब है जी जिनके पास रेड टू रेड नॉर्मल भी लगे हैं उनके पास अच्छी ब्रीड आ जाती है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों पेयरिंग ही बेस्ट हैं, जो आपको सूट करे आपकी जेब के लिहाज से वो आप करें। दोनों के रिजल्ट्स में रेड आई की जो रेशियो है वो 1 से 2 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। रेड टू रेड में रेशियो जो है वो कम हो जाती है, सर्वाइव रेशियो कम हो जाता है, और रेड टू स्प्लिट में जो है वो उसमें भी यही सिचुएशन है, 1 से 2 बच्चा आ जाएगा, एक आ जाएगा ब्लैक आई आ जाएंगे। तो जो आपको आसानी लगे आपकी जेब के लिहाज से उसको लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और अपने सेटअप को साफ़ सुथरा रखें, ब्रीड तब भी अच्छी आएगी।